गुड मॉर्निंग पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में समझा था कि कैसे मोड ऑफ प्रमल्गेशन, दैट इज़ किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ। बैकग्राउंड क्या था? हमारा बैकग्राउंड था नेशनलिस्ट मूवमेंट, राइट? और वही क्रेडिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, या कह सकते हैं अथॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ नेशनलिस्ट लीडर्स का उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में होना अपने आप में एक अथॉरिटी या वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन को देता है। नेक्स्ट, आपको अगर क्वेश्चन याद हो, हमने पढ़ा था अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। तो क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है? जस्ट मतलब क्या है यहाँ पे? जस्ट मतलब जस्टिफाइड है, उसको हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, राइट? जैसे हम कोई एक स्टेटमेंट देते हैं, इंडिया एक अच्छी कंट्री है, या इंडिया कह सकते हैं इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है, ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, राइट? अब मैं, ये स्टेटमेंट के पीछे मेरा कोई रीज़न होगा, राइट? मैं उसको ऐसे ही तो नहीं कह रही हूँ, आई नीड टू जस्टिफाई दैट। उसको मुझे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, प्रोसेस बताना पड़ेगा कि मेरा रीज़न क्या है कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बोल तो दिया कि हाँ वो एक ऐसे बैकग्राउंड के द्वारा बना जहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो बैकग्राउंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में इतना स्ट्रांग और वैलिड है अभी भी कि क्या हम उसे इक्वली जस्टिफिकेशन दे सकते हैं? दैट मीन्स क्या हम प्रोविजन्स इनकॉर्पोरेट ऐसे करे हैं हमने, या ऐसे प्रोविजन्स हमने इसमें डाले हैं जो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एक साथ लेके चल रहा है? हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, इसको ऐसे समझो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल क्या है? ओपनिंग स्टेटमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट? अब प्रीएम्बल में पता है कि वो प्रीएम्बल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली क्या है। ओपनिंग स्टेटमेंट है तो वो आपको इनर, जैसे एक फ्रंट पेज कह सकते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड वो इन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर जो इनर पेजेस में जो भी लिखा है वो इन शॉर्ट क्रक्स समरी सॉर्ट ऑफ आपको प्रीएम्बल बता देता है, राइट? तो अगर हम सिर्फ वही पढ़ करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड और जस्टिफाइड कर लें तो कॉन्स्टिट्यूशन की तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट? तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिफाइड कह सकते हैं? ऐसा क्या प्रोविजंस हमने, ऐसे कौन से प्रोविजंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं जो हर एक इंडिविजुअल, हर एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, चाहे वो कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्यों ना हो, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, तो ऑब्वियस ही बात है हर डाइवर्सिटी को एक साथ लेके चलना होगा और हर एक डाइवर्सिटी को इक्वली रिस्पेक्ट, वैल्यू, अथॉरिटी प्रोवाइड करनी ही होगी। तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसे क्या प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? देखो, यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी, इक्वालिटी प्रोवाइड करे वो कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके लोगों को, जिसके लिए वो बना है, ठीक है, जिन लोगों के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो उन लोगों को अगर जस्टिफिकेशन या इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा तो वो लोग उसको, उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्लियर? जैसे कहा जाता है, आप, आई डोंट नो कितने पेरेंट्स, वैसे हर घर में ज़्यादातर ये स्टेटमेंट आती है कि ट्यूसडे को नेल्स नहीं काटते या सर नहीं धोते, राइट? अब हम लोग क्या है, हम हर चीज़ को रैशनलाइज करते हैं, राइट? जो आज की जनरेशन है तो हर कोई उस चीज़ को रैशनलाइज करके सोचता है। आपके पेरेंट्स या जो एल्डर हैं घर में, वो तो आपको ये स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ जी, ट्यूसडे को नेल्स नहीं काटते या बाल नहीं धोते या हेड वॉश नहीं करना है जी, लेकिन क्या उसके पीछे का रीज़न क्या है? कैसे एक्सेप्ट कर लोगे आप? आप क्वेश्चन करते होगे अपने पेरेंट्स से, अरे क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे? मुझे तो कोई समझ नहीं आता, हर दिन भगवान के दिन होते हैं, राइट? तो इस तरीके से हम उसको रैशनलाइज करते हैं, वही मेरे लिए वो चीज़ नहीं बनी है तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। हम एक बुक खरीदने जाते हैं, अगर मुझे पता है कि मेरे को बुक में क्या चाहिए, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मैं क्या मांग, वॉट आई वॉन्ट द बुक शुड बी फॉर मी, तो मैं चाहूँगी कि उसके कंटेंट्स होने चाहिए वो जो मैं चाहती हूँ जैसे होने चाहिए, राइट? मैं उन कंटेंट्स को सर्च करूँगी जो मुझे, मेरे लिए यूज़फुल होंगे, क्लियर? चाहे उस बुक का फ्रंट पेज जितना भी अच्छा क्यों ना हो,
मैं उसको तभी खरीदूंगी जब वो इनर कंटेंट्स उसके मेरे लिए अच्छे होंगे, मेरे लिए यूज़फुल होंगे। इसी तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी है, चाहे प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्टेटमेंट क्यों ना देता हो या एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्यों ना देता हो, क्लियर। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इतने प्रोविजंस हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोविजंस नहीं हैं, तो वो लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट इज़ एज गुड एज जस्ट अ रूल बुक और अनदर जस्ट अनदर बुक उनके लिए। वो सब एक तरीके की एक अलग और दूसरी बुक ही है एक तरीके से, और उसका कोई मतलब नहीं है। इट इज़ जस्ट रिटन पेपर्स दैट हैव नो वैल्यू फॉर एनीवन, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है ये, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है जो अपने लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। इक्वालिटी प्रोवाइड करता है मतलब कैसे, प्रोविजंस ऐसे हों उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो, इंश्योर्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट फॉर ऑल, ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर एक इंडिविजुअल के लिए इतने प्रोविजंस लेकर आए, इतनी सिचुएशंस क्रिएट करे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे जिससे लोग डेवलप और ग्रो। जैसे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए होनी चाहिए, और इसी तरीके से गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं हमारे लिए एजुकेशन से रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, क्लियर। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरीके से जितने भी अभियान हैं जो गवर्नमेंट हमारे लिए प्रोवाइड करती है, किस लिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो सबके लिए ऑथेंटिक और वैल्यूड होना चाहिए, वो कैसे वैल्यूड होगा, कैसे ऑथेंटिफिकेशन होगा, वो तब होगा जब हर कोई उसमें इन्वॉल्व होगा, हर कोई उस कॉन्स्टिट्यूशन से बेनिफिट उठा रहा होगा, सिर्फ कुछ सेक्शंस के लिए वो लिमिटेड नहीं होगा, क्लियर। अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जहाँ सिर्फ कुछ सेक्शन ऑफ द लोगों को बोला जाए कि आप ही को डेवलपमेंट का की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं और औरों को नहीं की जा रही हैं, क्लियर, तो क्या वो जिनको नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना वैलिड जस्टिफाइड मानेंगे, नहीं मानेंगे। और इसी तरीके से फिर यही चीज़ लीड करती हैं, क्या ऑल दिस लीड टू व्हाट, ऑल दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि हमने पहले ही लिमिट किए थे, ख़त्म किए थे कुछ म्यूचुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अग्री करके, क्लियर। तो वही कॉन्सेप्ट्स को लेकर ना आए, वो कॉन्फ्लिक्ट्स फिर से इमर्ज ना हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का इतना वैल्यूड और जस्टिफाइड होना ज़रूरी है। और वो कैसे जस्टिफाइड होगा, जब हर एक इंडिविजुअल उस हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो मेम्बर हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन से यूज़फुल होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए यूज़फुल होगा, तभी उनके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूड होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन की तभी कोई अथॉरिटी, क्लियर। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट ऑल दी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ऑब्वियसली बात है आपके हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब अगर हम रिलीजियस एंगल से अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमारी कंट्री में रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन अगर यही हो कि आपके मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द कंट्री के लिए कोई सर्टन रेगुलेशंस बने हैं और उसी के चलते मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है आपकी वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन पर कहीं ना कहीं हुक्म चला रही है या फिर कहीं ना कहीं रूल कर रही है उनकी तरफ, राइट, आपके बुक में भी ये ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिस्पेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। और यही चीज़ अब देखो, ये एक विशेष सर्कल है, आप देखोगे रिस्पेक्ट मिलेगी तो आपको एक और इक्वालिटी मिलेगी तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, राइट। इस चीज़ को ऐसे लिंक करके चलो, रिस्पेक्ट मिले, इक्वालिटी मिलेगी तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट से मिलेगी तो आपको क्या होगा, आपको डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इक्वालिटी भी आपको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी। तो ये एक सॉर्ट ऑफ विशेष सर्कल है जो हर एक इंडिविजुअल को चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स प्रोविजन्स दैट मेक पीपल सिक्योर, और हर एक प्रोविजन्स ऐसे लॉ जो हर एक इंडिविजुअल को सिक्योर बनाए। अब देखो, सिक्योर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि गवर्नमेंट का काम या कॉन्स्टिट्यूशन का काम यह है कि वो फॉरन अटैक से आपके ऊपर सेफ्टी रखे या एक तरीके से सिक्योर बनाए आपको, उससे वो तो है ही, उसके अलावा सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे या सिक्योर बनाने का मतलब ये भी है कि कैसे हर एक इंडिविजुअल जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है वो कैसे बढ़े, क्लियर। स्पेशली अगर हम सोसाइटी में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की बात करें या कुछ वैसे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की बात करें जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को अभी भी सिक्योर नहीं मानते, इन द सेंस कि इकोनॉमिकली वो बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन उनकी नहीं है, एक हेल्दी लिविंग उनकी नहीं है, एक लाइफस्टाइल उनका नहीं है, घर उनका नहीं है, तो ऐसे लोगों को सिक्योर बनाना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना,
क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, ये होते हैं फिर वनरेबल सेक्शंस, उनको वो बहुत ईजिली एक्सप्लॉयट हो सकते हैं किसी के थ्रू, क्लियर। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से सिक्योर समझना, बनाना कंट्री को सिक्योर बनाना, वो फॉरेन अटैक्स तो है ही, उसके अलावा हर एक इंडिविजुअल को अपने आप को इस इन टर्म्स में भी सिक्योर बनाना है। तो ये प्रोविजंस अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इनकॉर्पोरेट करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस या ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो हर एक इंडिविजुअल को बेनिफिट पहुँचाते हैं, उनके लिए बने हैं, उनके लिए यूज़फुल हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, क्लियर। तो ये है आपका जस्टिसेबल कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं फिर से यही कहूँगी कि जिन लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, आई वुड स्टिल रिकमेंड डू यू फर्दर प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट एंड देन मूव। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पिछले वीडियोस में आपको दिए हैं, आई होप वो क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल हों। आप उनको सर्च करें, होमवर्क पूरा फिनिश करें, साथ ही साथ प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपके पास हर वो नोटिफिकेशन, हर वो वीडियो लेक्चर आए जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो कीप स्टडिंग, कीप बी वेल, बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।